जंगली जानवर और इंसानों के बीच हुई मुलाकात के दौरान घटे कुछ हैरान कर देने वाले वाक्य दिखाने के लिए आज आपका अपना डीप इन्फो एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया है वाइल्ड एनिमल इनकाउंटर्स वीडियो का पार्ट 16। धरती के सभी जीव समय के साथ साथ इवॉल्व होती जा रही है। इस मामले में चूहों ने बड़ी ही हैरतअंगेज तरक्की की है और इस बात को साबित करती है जनवरी 2019 के दौरान ब्राजील के सेंटा कैटरीना में रिकॉर्ड हुई ये क्लिप, जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति अपने घर पर कबाड़ में घुसे चूहे को पकड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन कुछ ही देर बाद चूहे को जब बाहर निकलने का मौका मिला तो जनाब सीधा पास में मौजूद ड्रेनेज हॉल के पास गए और इस पर लगी जाली को हटाकर कुछ इस तरह से भाग निकले कि मानो उसने मुसीबत में यहाँ से भागने का रास्ता पहले ही पता कर रखा हो। कुछ इसी प्रकार मई 2016 के दौरान ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ये महानुभाव भी अपनी बिल्ली के साथ मिलकर एक चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूहे ने दोनों को यहां भी चकमा दे दिया और ड्रेनेज की जाली हटाकर भाग निकला। हाल ही में 16 अक्टूबर 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कुछ लोगों ने एक स्कूल बस में एक विशाल गाय अजगर घुसते देखा, जो कि एक बकरी को निगलने के बाद बस के इंजन के पास मौजूद खाली जगह पर छिपकर बैठ गया। अब अजगर को देख हर किसी के मन में सिहरन दौड़ने लगी। गनीमत ये रही कि दिन रविवार का था और बस में कोई स्टूडेंट नहीं था, जिसके चलते जोखिम भरे हालातों का सामना करना ही नहीं पड़ा। कुछ ही समय बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस बात की खबर दी गई, जिन्होंने स्नेक एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर बस से अजगर को बाहर निकालने की मुहिम शुरू की। अजगर के साथ काफी समय तक चली हाथापाई के बाद स्नेक एक्सपर्ट्स ने इस पर काबू पाया और एक बोरे में बंद करके सुरक्षित जंगलों में छोड़ा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर आगरा में रिकॉर्ड हुई एक क्लिप भी जमकर सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें दिखा गया कि एक भड़का हुआ सांड साइकिल से जोर आजमाइश के चलते इसमें फंस गया और छटपटाने लगा। काफी समय तक छटपटाने के बाद सांड शांत हुआ और आसपास के लोगों ने सांड की मदद की और इसके मुंह और पैर को साइकिल से आजाद करवाया। अगली क्लिप में आप देखेंगे कि एक व्यक्ति ऑस्ट्रिच से मस्ती करने के चक्कर में उससे गुस्सा दिला देता है और ये जनाब का पीछा करना शुरू कर देता है। गनीमत रही कि ऑस्ट्रिच रास्ते में आई साइकिल से टकराकर स्विमिंग पूल में जा गिरा और आदमी को भागने का मौका मिल गया। जब हमारे इलाके में कोई बंदरों की टोली पहुंच जाती है तो ये कितनी उत्पात मचाते हैं, इस बात से तो आप भली भांति वाकिफ होंगे। लेकिन जिन इलाकों में बंदर हर समय मौजूद रहते हैं, वहाँ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी रहती है, ये बात बताए वृंदावन मार्ग नाम का यूट्यूब चैनल चलाने वाले रोहित शर्मा ने। रोहित ने अपनी एक वीडियो में दिखाया कि कैसे एक बंदर ने उनके घर का दरवाजा खुला देख उनकी चप्पल उठा ली और लेकर बाहर भाग गया। इसके बाद रोहित ने बंदर को रिश्वत के रूप में एक बिस्किट का पैकेट भी दिया, लेकिन जनाब ने बिस्किट तो ले लिया और चप्पल भी नहीं दी। तो वृंदावन में देखो बंदर चप्पल ले जाते हैं और देखो छुड़ाऊंगा कैसे मैं, आप देखना ये रहा बिस्किट, ले चप्पल दो, ले 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 चप्पल तो दे यार। छोड़ गया। हालांकि कुछ दूर भागने के बाद बंदर ने रोहित को चप्पल तो दे दी, लेकिन इनकी शरारतें लोगों को किस प्रकार परेशान करती हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। एक नजर इन महाशय पर भी डाल लीजिए जिनके पीछे एक कुत्ता पड़ गया। जनाब की किस्मत अच्छी थी कि उसे खुले में भागने के बजाय टेबल के इर्द गिर्द घूमने का आइडिया आ गया। जनवरी 2018 के दौरान केरला के त्रिशूर जू में एक नए बाघ को जंगल से पकड़कर लाया गया। अब बाघ को खाना खिलाने आए जू कीपर जनाब ने सोचा कि ये भी एक साधारण बाघ ही होगा और पिंजरे में बंद होकर ये कर भी क्या सकता है। ये सोचते हुए जू कीपर उसे खाना खिलाने के लिए पिंजरे के एकदम करीब गया। जू कीपर खुशकिस्मत था कि उसने बाघ गेट तक आने से पहले अपना हाथ दूर कर लिया, वरना आज उसकी ये लापरवाही उस पर काफी भारी भी पड़ सकती थी। अगस्त 2022 के दौरान हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक तेंदुआ खाना ढूंढते हुए रिहायशी इलाके में घुस गया और एक घर की छत पर सो रहे डॉग के पास पहुंच गया। बेचारा डॉग जाकर उससे बचने की कोशिश करता, इससे पहले ही तेंदुए ने उसे गर्दन से दबोच लिया और अपने साथ ले गया। कुछ इसी प्रकार अगस्त 2022 के दौरान कर्नाटक में भी एक तेंदुआ घुस गया और एक घर के बाहर सो रहे डॉग को दबोच कर अपने साथ ले गया।
ऐसी ही एक और घटना सितंबर 2022 के दौरान उत्तराखंड के पत्ती सेन कस्बे में भी देखी गई, लेकिन यहां कस्बे के सभी जीव खुशकिस्मत थे जिसके चलते कोई भी तेंदुए की चपेट में नहीं आया और तेंदुआ खाली हाथ जंगलों में वापस लौट गया। रैम्स बड़े ही गुस्सैल और ताकतवर सींगों वाले जीव होते हैं, ये बात तो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या हुआ जब एक गुस्साए रैम ने 6 टन वजनी डिगर मशीन से मुकाबला करना शुरू कर दिया। बेचारे रैम ने मशीन पर वार तो पूरी ताकत के साथ किए, लेकिन मशीन इतनी ज्यादा मजबूत थी कि रैम इसे कुछ खास स्टैंड्स भी नहीं दे पाया और चुपचाप निकल लिया। मई 2022 के दौरान कोलोराडो मूल के गाइड फ्रेड आइकलर अपने कस्टमर्स को रिवर राफ्टिंग करवा रहे थे। इसी दौरान वे एक भालू के परिवार के करीब पहुंच गए, जिनमें से एक ने उनकी तरफ दौड़ भी लगा दी, लेकिन गनीमत ये रही कि भालू ने उन पर हमला करने से पहले मूड बदल लिया और बीच रास्ते में ही रुककर वापस मुड़ गया। दिसंबर 2020 के दौरान उत्तराखंड के सीतावनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व में सड़क पर चल रहे कुछ लोग उस समय हैरान रह गए जब सड़क पर एक बाघ ने उनका रास्ता रोक दिया। गनीमत यह रही कि बाघ भूखा नहीं था, जिसके चलते उसने किसी पर भी हमला करने की कोशिश नहीं की। बाकी बाघ यहां पर भूखा या घबराया हुआ होता तो इन लोगों को काफी नुकसान पहुंचा सकता था, खासकर इन महानुभाव को जो कार से आधे बाहर लटक कर नजारा देखने का लुत्फ उठा रहे थे। कुछ इसी प्रकार अगस्त 2020 के दौरान कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क से गुजर रहे ये बाइक वाले जनाब भी सड़क पर बैठे बाघ से सुरक्षित बच निकले। आपने बचपन में भालू वाला विन्नी द पू कार्टून तो जरूर देखा होगा जिसमें हनी लवर भालू दिखाया जाता है, कुछ उसी प्रकार का नजारा आज हम आपको असल जिंदगी में भी दिखाएंगे। क्लिप में आप देखेंगे कि शहर में घुसा एक जंगली भालू मधुमक्खियों के छत्ते का पीछा करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ गया और शहद खाने के बाद वापस नीचे आने लगा। ये नजारा देखकर कहना गलत नहीं होगा कि विन्नी की तरह असल जिंदगी में भी भालू को शहद खाना काफी पसंद होता है। हाल ही में सितंबर 2022 के दौरान नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से भागा एक गेंडा शहर में पहुंच गया और किसी शहंशाह की तरह इधर उधर दौड़ने लगा। गनीमत यह रही कि गेंडा आक्रामक रूप में शहर में नहीं पहुंचा था, बाकी ऐसा होता तो ये काफी जान माल का नुकसान भी पहुंचा सकता था। क्या हो जब आप घर पहुंचे और पाए कि आपसे पहले भी कोई घर में घुसने की कोशिश में जुटा हुआ है। बंदर या अन्य छोटे मोटे जानवरों के साथ सर्कस दिखाने वाले लोग तो आपने अक्सर देखे होंगे, लेकिन पाकिस्तान के रहने वाले इन जनाब से मिली जो एक भालू के साथ सर्कस दिखाकर लौट रहे थे और एक रिक्शा ढूंढ रहे थे जो उसे और उसके भालू को घर तक पहुंचा दे। वैसे इन महानुभाव को लिफ्ट देने वाले रिक्शा चालक की हिम्मत भी तारीफ करने लायक थी। अमेरिका के मिसौरी में मार्च 2017 के दौरान एक बुचड़खाने से बचकर 6 गायें भाग निकली और शहर के सड़कों पर खुलेआम दौड़ने लगी। अब बुचड़खाने का मालिक इन बेकाबू गायों को पकड़ने में असमर्थ हो गया और पुलिस की मदद मांगी गई, जिसके बाद इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस पड़ताल करने पहुंची और दर्जनों पुलिस वाले अपनी अपनी गाड़ियों से इनका पीछा करने में जुट गए। घंटों तक कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इन गायों पर काबू पाया और पकड़कर वापस बुचड़खाने भिजवा दिया। वेस्ट बंगाल में रेल यात्रा के दौरान हाथी दिखाई देना साधारण सी बात है, लेकिन अप्रैल 2019 के दौरान वेस्ट बंगाल के गुलमा और सेवोक स्टेशन के बीच एक हाथी ने तो ट्रेन का रास्ता ही रोक दिया। देखिए कैसे हाथी ट्रैक्स पर खड़ा ट्रेन को आगे न जाने देने की जिद पर अड़ा है। खैर कुछ देर तक ट्रेन लेट करवाने के बाद जनाब ट्रैक से हटने को राजी हो गए और ट्रेन को रवाना होने दिया। इसी प्रकार अगस्त 2022 के दौरान श्रीलंका में जंगल से गुजर रही एक यात्रियों से भरी बस को हाथी ने रुकवा लिया और अंदर सून डालकर खाने की चीजें खोजने लगा। अब हाथी को इतने करीब देख लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और सभी यात्री एक एक करके बस से निकलकर भागना शुरू हो गए। गनीमत यह रही कि हाथी किसी पर भी हमला करता, इससे पहले मौके पर वाहनों की भीड़ लग गई और उनके शोर शराबे से वो घबराकर वापस जंगलों में भाग गया। अप्रैल 2015 के दौरान मलेशिया की बातों के उसमें घूमने गई मोहतरमा का रास्ता एक बंदर ने रोक दिया और कुछ इस तरह से आगे बैठ गया कि मानो कह रहा हो कि बाकी सब जा सकते हो, लेकिन आपको आगे जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। बेचारी कुछ देर तक इंतजार करने के बाद वापस लौटने को मजबूर हो गई। उम्मीद है पार्ट 16 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कॉमेंट बॉक्स में पार्ट 17 जरूर लिखें। धन्यवाद।